कांग्रेस नेता और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नवम तुकी से बात की है हमारे संवाददाता अमर सिंह ने। हमारे साथ नवम तुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको थोड़ी राहत मानते हैं या फिर आप अपनी जीत मानते हैं? ये जीत, ये डेमोक्रेसी का जीत है, जीत हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा किया है और विशेष करके अरुणाचल का लोगों को कांग्रेस पार्टी का जीत हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से आपको हटाया गया था, कोई लगता कि ये कॉन्स्पिरेसी था? ये तो बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, बीजेपी ने जो प्लान किया करके जिस तरीका से गैरकानूनी तरीका से किया है और सरकार को इलेक्टेड सरकार को हटाने के लिए कोशिश किया उन लोगों ने और ये आज नाकामयाब हो गया है। उन लोग का ऊपर में तफर मार दिया गया है कि कानून ने, कि कानून भी है का रक्षा करने वाला, कोई भी मन मर्जी कानून का बाहर नहीं कर सकता है, वो सबक सिखा दिया है, शायद आज से वो लोग सीखना चाहिए। एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे का राजनीति हमारा जो पार्टी का अंदर में निर्णय लेंगे, पार्टी हाईकमान से बात करके, पार्टी का विधायक लोगों से बात करके, जो भी आगे जो भी राजनीति का उसका हम लोग तैयार करेंगे। मतलब सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी? सरकार तो वापस दे दिया है, अभी जो क्लॉक सेटबैक जो ओरिजिनल समय में दे दिया है, क्लॉक सेटबैक हो गया है, सरकार वापस दे दिया क्योंकि गवर्नर का ऑर्डर सभी गलत था तो ऑटोमेटिक वापस आ गया। मतलब माना जाए कि लोकतंत्र की ये जीत हुई है, लोकतंत्र का जीत हुआ है और ये बहुत बड़ा जीत है, हमारे देश के लिए जीत है और अभी बीजेपी अन्य प्रदेश में ये चीरचार नहीं कर सकेगा। थैंक यू। ये थे नवम तुकी, इनका साफ तौर से कहना कि ये लोकतंत्र की जीत है। दिल्ली से कैमरामैन ललित के साथ अमर सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।